स्टूडेंट्स वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। अब देखो, आप फर्स्ट में ये मत बोलना कि सर आप हमेशा की तरह वीडियो लेकर आ जाते हो लेकिन हमारे लिए कोई भी अपडेट नहीं लेकर आते हो, हमारी परीक्षा को लेकर, साथ में हमारे टाइम टेबल को लेकर। क्योंकि आप सभी छात्रों को पता है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम टाइम टेबल है अभी तक जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई अपडेट आई है कि जो आपके एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो, जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ काफ़ी रियल हो सकती है, काफ़ी अच्छी अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उस डेट से आपके एग्जाम हो सकते हैं। पूरी संभावित डेट आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आप सभी छात्रों के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। वो नोटिस आप जैसे इस साइड देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब देखो, ये जो नोटिस जारी हुआ है इसमें क्लियरली आप देख सकते हो, ये नोटिस आपके एग्जाम फॉरम को वेरीफाई करने को लेकर, साथ में उस एग्जाम फॉरम में संशोधन करने को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 तारीख रखी गई है। जैसा कि आज आपकी 21 मार्च हो चुकी है, 22 तारीख यानी कि कल आपकी लास्ट डेट है। आप कल तक अपने फॉरम में, यानी अगर आपका फॉरम गलत भरा गया है, यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए के, अगर आप फोरम गलत भरा गया है आपके द्वारा या ई मित्र वाले के द्वारा, तो आप उस फोरम में संशोधन कर सकते हो, उस फोरम को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आप सभी छात्रों को पता है कि लास्ट ईयर, देखो काफ़ी छात्र एक तरीके से अनुमानित जो डेट है वो बता रहे हैं कि उस डेट से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। साथ में मैं बता रहा हूँ, देखो अपन के बताने से कुछ भी नहीं होता, आपको भी ये चीज़ पता है। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो सूत्रों के हवाले से ही बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आप बताते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट है वो ज्ञान देने आ जाते हैं जैसे टेलीग्राम पर कि हमारे एग्जाम उस दिन से स्टार्ट होंगे। कुछ स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं कि जून जुलाई में जाकर हमारे प्रैक्टिकल होंगे। इतना भी लेट हो सकता है? कभी नहीं होगा इतना लेट। आप सोचिए जो नेक्स्ट सेशन है उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, लेकिन इस चीज को तो कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, इतना लेट भी नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर को जब आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे वो आपको 25 मई से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। 25 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, 12 मई को आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी हुआ था, यानी कि लगभग 12 से 13 दिन पहले आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी हुआ था। अब ऐसा मत सोचना कि इस बार भी इतना जल्द ही, मतलब कि इतना ही गैप दिया जाएगा। लास्ट ईयर कोरोना था तो आपका सेशन बहुत लेट हो गया था, इस वजह से वहां पर कम टाइम में ही आपका टाइम टेबल जारी हुआ था और कम टाइम के दौरान ही आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इस बार आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि आपको कम से कम जो आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी होगा वो 15 से 20 दिन पहले ही जारी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 7 दिन में जारी कर दिया गया या 10 दिन में जारी कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज की आप गांठ बांध लो, आपका जो एग्जाम होगा उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले ही आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी होगा। अब देखो 22 यानी कि कल तक तो आपका जो फोरम है वो संशोधित होगा, 25 तक तो आप भूल जाइए। अब मुझे लग रहा है कि 25 से 30 तारीख के बीच में आपका टाइम टेबल आ सकता है। देखो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और मैं आप सभी छात्रों को देखो गुमराह तो मैं कभी भी नहीं करता, और अगर मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो किसी प्रूफ के साथ बोलता हूँ, और देखो मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि निश्चित उस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और निश्चित मैं तभी बोलता हूँ आप चाहे देखो मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर बाकी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको बात ही से पता है कि जो चीज मैं बोलता हूं, जैसे कि कोई ई पेपर आ गया, ई पेपर में जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर यूनिवर्सिटी पहुंच गया और वो जाकर जो कुलपति रहता है या जो परीक्षा नियंत्रक है उससे जाकर पूछ लिया कि सर जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुलपति ने कोई बयान दिया है तो वो किसी प्रूफ के आधार पर ही दिया होगा, उनको पता होगा कि एग्जाम कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसी वजह से वो चीज दूसरे दिन ई पेपर में छाप दिया जाता है, फिर वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, तो ऐसा चलता है। लेकिन अभी तक देखो जैसे बात भी करते ना आगे जाकर, तो कोई एक तरीके से बिल्कुल निश्चित जो एक तरीके से प्रूफ है वो नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई ऐसा बयान दिया जा रहा है कि उस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। ये तो कन्फर्म है कि आपके एग्जाम अप्रैल में ही स्टार्ट होंगे, चाहे अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है आपका जो टाइम टेबल है वो 25 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपके एग्जाम है वो अप्रोक्स 20 अप्रैल के लगभग स्टार्ट हो सकते हैं, जैसा कि कल मैंने टेलीग्राम पर भी आप सभी छात्रों को बताया था, शायद 20 अप्रैल के लगभग हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है 5 से 10 दिन कम भी हो सकते हैं, 5 से 10 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि अप्रैल में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो निश्चित है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल पहले होगा, कुछ छात्रों के मन में भ्रांति हो, इस भ्रांति को अपने माइंड से निकाल देना, प्रैक्टिकल आपका एग्जाम से पहले ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल की डेट आपकी जल्द ही जारी कर दी जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर देखो एक चीज ये भी सोच सकते हो कि प्रैक्टिकल की डेट ही नहीं जारी हो रही तो
आपका एग्जाम की डेट कब आएगी ये भी सोच सकते हो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा पहले होता है और हर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल पहले करवा रही है। तो उस प्रकार से आपके एग्जाम, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक में भी जा सकते हैं, जैसे मैं आपको 25 से 30 मार्च बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल जारी हो सकता है, तो इसके बीच में आपके प्रैक्टिकल की अपडेट भी आ सकती है। आपका जो टाइम टेबल है 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में भी जारी हो सकता है। कन्फर्म कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे बोलोगे कि सर आप कन्फर्म बता दीजिए, तो कन्फर्म मैं नहीं बता सकता, देखिए, क्योंकि जो अपडेट आई थी, आपका नोटिस आया था, उसको लेकर ही आज का यह वीडियो मैंने आप सभी छात्रों को बनाया है। ठीक है, कुछ छात्र ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे एग्जाम तो अप्रैल के बाद में मई जून में होंगे, तो अब तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाई को छोड़ देंगे, हमारे पास जैसे 10-15 दिन बचेंगे उसमें ही पढ़ाई कर लेंगे। इतने धुरंधर नहीं हो, ठीक हो, ठीक है, इतने बड़े धुरंधर आप नहीं हो, पढ़ाई करते रहना। और जो पर्सनली मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आप अपने आप को धुरंधर मत समझना, ठीक है, आप ओनली पढ़ाई करते रहना। मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर 7-8 घंटे पढ़ो, आप पढ़ाई करो, आप 1-2 घंटे भी पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो या आप अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हो। तो पढ़ाई को मत छोड़ देना, ध्यान में रखना मेरी इस चीज़ को, मतलब इस बात को। जल्दी आपके लिए कोई अपडेट लेकर आऊँगा, तब तक थोड़ा पेशेंस रखे। अगर आप RRBM के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी मत्स्य यूनिवर्सिटी से सबसे पहले यहीं पर मैं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके।